एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सेंट्रल जेल की सुरक्षा की पोल खोलती वीडियो सामने आई है। कैदी से मुलाकात के दौरान का वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, तो जेल के अंदर जाली के पास का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुख्यात बदमाश सलमान लाला, तो दो दिन पहले का ये वीडियो हालांकि बताया जा रहा है और 2 नवंबर को इंदौर जेल से भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल अलीशा, कल एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि जेल में बंद सलमान लाला दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर, और दूसरी तरफ जो फोन पे बातचीत कर रहा है, जो कैदी से सलमान लाला से मुलाकात करने पहुंचा था, भोपाल का बदमाश है कोई फिजा का, उसके ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। जावेद चिराटा नाम बताया जा रहा है इस शख्स का। और सलमान लाला के बारे में बता दें, इंदौर में कई गंभीर मामलों में इसके ऊपर FIR दर्ज है। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त भी मूंछ पर ताव देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसके बाद पुलिस की भी वहां पर, इंदौर पुलिस की भी किरकिरी हुई थी। फिर उसके बाद वहां पर उसका एक, ये कह सकते हैं, जुलूस निकाला गया था कि ये बताने के लिए कि सलमान लाला का खौफ नहीं है, और पुलिस ने एक मैसेज दी थी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इंदौर जेल रखा गया, उसके बाद भोपाल शिफ्ट कर दिया गया। और भोपाल जब शिफ्ट किया गया, तो अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वीडियो में सीधे तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब कैदी से मुलाकात के वक्त में बाहर तमाम चीज़ें, जो मुलाकात करने पहुंचता है उसके तमाम चीज़ें बाहर ही रख ली जाती है, तो फिर उसके बावजूद भी मोबाइल अंदर पहुंचा कैसे? और मोबाइल तो पहुंचा ही पहुंचा, इसके साथ साथ उस वक्त वीडियो भी बनाया गया और उसे सोशल मीडिया के स्टेटस भी डाल दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में के अलग अलग शहरों से इस तरीके का अलीशा देखने को मिल रहा है कि पहले वीडियो बनाया जाता है, फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है, और ये बताया जाता है कि हम कितने बड़े बदमाश। और इसी तरीके के पिछले 10 दिन की बात की जाए, तो राजधानी भोपाल में लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पर पहले मारपीट की जाती है या फिर और किसी तरीके का अपराध किया जाता है, और उस वक्त का वीडियो बनाया जाता है, फिर सोशल मीडिया पर डाला जाता है, और फिर ये बताया जाता है कि इस शहर के सबसे बड़े बदमाश हमें, और इन सब के बीच ये वीडियो वायरल। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंट्रल जेल के ऊपर, जहां पर खूंखार आतंकी भी बंद है, और वहां पर इस तरीके की हरकत होना, ये बताता है कि वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई, इसी के कारण अंदर मोबाइल पहुंचा है। अलीशा जी, पूरी वीडियो जो है वो लापरवाही की और संदेश देती हुई नजर आ रही है। शब्बीर हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी।